बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम मिर्चों का मसाला बना रहे हैं जो हम दाल के साथ खाते हैं, दाल और चावल के साथ। इंशाल्लाह ताला आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हल्का फुल्के से मिर्चों का मसाला है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दुआओं में याद रखिए, शुक्रिया। वेलकम टू आवर चैनल किचन डायरीज़। हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, एक टेबल स्पून हमने सौंफ ली है, दो टेबल स्पून साबित धनिया, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कलौंजी और नमक टेस्ट के हिसाब से लिया। इमली का पल्प लिया है हमने, थोड़ी सी हम इसमें आमचूर भी डालेंगे और ये हमारे पास हरी मिर्च है। अब हम इन सब चीज़ों को मोटा मोटा पीस लेंगे मशीन में डाल के, ठीक है ना। ये मसाला हमने मोटा मोटा पीस लिया है, अब हम इसमें इमली का पल्प और ये चीज़ें शामिल करेंगे। दूसरी दिखाते हैं, हम इसमें इमली का पल्प शामिल कर रहे हैं, एक टीस्पून के करीब हमने शामिल करा है और हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें आम की खटाई पीसी में शामिल करेंगे, जिसे आमचूर भी कहते हैं। अब पानी से इसको मिक्स करेंगे और एक थोड़ा गाढ़ा सा आमिजा बना लेंगे ताकि हम मिर्चों में आसानी से भर सकें। अब हम ये मिर्चों में कट लगाएंगे और सारे बीज ना निकाल लेंगे, इसमें हम अपना मसाला तैयार जो करा है वो भरेंगे। बीज निकालने का भी आसान तरीका होता है, फोर्क ले लें, आराम से इसमें सुकून से निकाल लें। सारे भी साफ़ कर दें, इसे इसी तरह सारी मिर्चों को साफ़ कर लेंगे और फिर इसमें मसाला भरेंगे। थोड़ा सा जमा जमा के भरेंगे ताकि अच्छे से हो जाए। इसी तरह सारी मिर्चों में भर लेंगे। ये मसाला आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दाल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। दाल चावल बनाएं गर्मी में और इसे खाएं, दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी मसाला बनता है, आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं, दो से तीन टेबल स्पून के करीब डालेंगे। अब हम इसमें मिर्चें डालेंगे और फ्राई करेंगे, फिर इसे बाहर निकालेंगे, फिर मसाला डालेंगे। अब हम मिर्चें तेल में फ्राई कर रहे हैं, फिर हम इन्हें बाहर निकाल के, जब फ्राई हो जाएंगी हल्की सी, फिर हम मसाला डालेंगे इसके अंदर। फ्राई हो गई हैं मिर्चें, फ्राई हो गई, अब हम इन्हें बाहर निकाल रहे हैं और मसाला डालेंगे। अब हम इसमें मसाला डाल रहे हैं और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, इसको पकाएंगे फिर। इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी धीमी आंच पर पकाएंगे ना, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह पक जाए। हमारा मसाला तैयार हो गया, इसमें हम मिर्ची डालेंगे और 5 मिनट के लिए हम दम पर रखेंगे इसे।